ये रिश्ता क्या कहलाता, मैं जिस अतीत से अक्षरा भाग रही थी इतने सालों से, वही अतीत जब अपनी आंखों के सामने देखेगी तो उस पर क्या बीतेगी ये तो अक्षरा को ही पता होगा। जी हाँ, इत्तेफाक ऐसा हुआ है अक्षरा की जिंदगी में, ना चाहते हुए भी वो अभिमन्यु को अपने सामने देखेगी और अभिमन्यु को देख कर बेहोश हो जाएगी। जी आपको बता दें कि आगे की कहानी में अभिनव जब अभिमन्यु को अपने घर लेकर आएगा तब कहानी में चौंका देने वाला खुलासा होगा, क्योंकि एक तरफ तो अक्षरा और अभिमन्यु एक दूसरे के साथ होंगे तो दूसरी तरफ अभिनव होगा और अभिनव को अपनी गलती का एहसास होगा, क्योंकि उसे पता नहीं होगा कि जिस शख्स को वो लेकर आया है घर में वो कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु बिरला है जिसने अक्षरा के साथ ये सब किया। तो आगे के अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।